स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है। घर और बाहर दोनों जगह बखूबी अपनी पहचान बनाने वाली महिलाएं ऊंचा मुकाम भी हासिल कर रही हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि शहरों और गांवों दोनों ही जगह वो जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ इस तरह दब चुकी है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी होती जा रही है। कल विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हालांकि स्वास्थ्य दिवस तो सभी के लिए होता है, लेकिन यदि महिलाओं की बात करें तो आज ग्रामीण और शहर दोनों ही जगह महिलाओं में स्वास्थ्य के खतरे देखे जा रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारी प्राथमिकता कहाँ गड़बड़ाई है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि महिलाएं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं होती। एक शोध में ये बात भी सामने आई है कि घरेलू महिलाएं जहाँ केवल घर के वातावरण से तनावग्रसित रहती हैं, वहीं कामकाजी महिलाओं में तनाव घरेलू एवं बाहरी दोनों ही कारणों से होता है। देखा जाए तो महिलाओं में खून की कमी, दिल की बीमारी, अनीमिया कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस सब के अतिरिक्त मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मूड और भावनाओं में बदलाव, नींद की कमी, थकान या फिर ज्यादा या बहुत कम खाना, बता दें कहीं ना कहीं ये सब मानसिक स्वास्थ्य के खराब लक्षण माने जाते हैं। आज के अंक में हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव में ऐसे में कौन से कारक हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो हमारे आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम का विषय है महिलाओं में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की चुनौतियां, एक जागरूकता। यदि आप भी अपने इस समस्या से अगर आप जूझ रही हैं, परेशान हैं, तो बेहिचक पूछिए अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113-06-06 और 1800-113-06-01। आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली एम्स के जाने माने विशेषज्ञ, जो पूरे एक घंटे तक आपके साथ रहने वाले हैं। और आइए आपका इनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सागर जी। आप एम्स दिल्ली में मनोचिकित्सा विभाग में प्रोफेसर हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं में सामान्य तौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो वहीं हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर ममता सूद। आप भी दिल्ली एम्स में मनोचिकित्सा विभाग की प्रोफेसर हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के अलावा खास तौर पर बताएंगी कि महिलाओं में हार्मोन के बदलने से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो बातचीत की शुरुआत करें, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आइए अब यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं उम्र के हर पड़ाव में जूझती और निखरती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिपोर्ट। क्या करें, कैसे करें, किससे करें, कौन सुनेगा बात, समझेगा, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये पीड़ा है हम सबकी। काम का बोझ, रिश्तों में अनबन, एग्जाम या प्यार में असफलता, या फिर किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक होते हैं जो तनाव से उपजकर अवसाद का भी कारण बन सकते हैं। कहते हैं चिंता से बेहतर है चिता। जी हाँ, इस छोटी सी कहावत में वास्तविकता है उस सच की, जिसे जानते हुए भी हम अनजान हैं। अनजान इसलिए कि मृत्यु का कष्ट तो एक बार ही होता है, लेकिन मानसिक तनाव अनेक कष्टों को जन्म दे जाता है। यदि बात करें बात बात में टेंशन की, तो ऐसे तनाव वहां होते हैं जहां असंतोष है, अविश्वास है, भविष्य की अनिश्चितता और साधनों की कमी है। मेहनत तो है किंतु उपलब्धियां नहीं है। इसी तरह परिवार तो है लेकिन उसमें टूटन है, विघटन है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े तनाव है। जैसी बातों से न केवल हमारा दिमाग प्रभावित होता है, बल्कि शारीरिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। गौरतलब है कि
8 घंटे के शारीरिक श्रम से मनुष्य की इतनी शक्ति नष्ट नहीं होती जितनी आधे घंटे की मानसिक व्याग्रता यानी मानसिक तनाव के कारण हो जाती है। जरा सोचिए, अनिंद्रा की बीमारी क्यों इतनी आम हो गई, पेट की समस्याएं क्यों इतनी बढ़ गई, कहीं तनाव हमारे स्वास्थ्य को दीमक की तरह न चाट जाए। इसलिए जरूरी है परिस्थितियों को बदलने की, खुद को स्वस्थ रखने की और मानसिक तनाव से बाहर निकलकर इससे निपटने की। बता दें, योग करने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कार्टिसोल का स्तर जहां कम हो जाता है, वहीं सकारात्मक सोच आपको नए तरीके से जीना भी सिखा देती है ना? राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर बहुत जरूरी है परिस्थितियों को बदलते हुए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की। तो अभी आपने देखी है ज्ञानवर्धक रिपोर्ट और अब आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ममता, आपका हम यहाँ पर रुख करेंगे। आप जैसे कि हमने यहाँ पर जाना, आप मनोचिकित्सा विभाग से हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो जब बात आती है महिलाओं के सेहत की तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं डॉक्टर ममता जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जिनको देखा जा सकता है, क्या बताएंगे? महिलाओं का स्वास्थ्य जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है। जो WHO की डेफिनेशन है स्वास्थ्य की, वो है कि कंप्लीट शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य भी साथ में होना चाहिए, उससे हेल्थ पूरी देखी जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य के इंडिकेटर जो मोटे मोटे जो खुद अपने आप में लोग देख सकते हैं, जैसे कमज़ोरी ना होना, काम ठीक से कर पाना, अनीमिया जैसे हो किसी को, या फिर जो औरतें मेंसेस वगैरह के एज में हैं उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हों, या औरतों को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी एक्स, मतलब शरीर में दर्दें होना, सिर दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो औरतें देखती हैं। और जो मानसिक तौर पे औरतों को ज़्यादातर समझ नहीं आता कि उन्हें मानसिक सिम्टम्स हैं उसके, जनरली एक्चुअली जैसे उनको याद में कमी हो जाना कि जैसे अरे ये कहाँ रख दिया था, कैसे रख दिया था, वो असल में एकाग्रता की कमी हो जाती है। फिर मन उदास रहना, बुझा रहना, या जो पहले अच्छी चीज़ें लगती थी वो अच्छी ना लगना, मन में एक घबराहट सी बनी रहना, हर वक्त चिंता बनी रहना कि कैसे काम होगा, क्या होगा, चिंताएं बनी रहना, फिर भूख ना लगना या भूख ज़्यादा लगना, या कई बार कई लोगों को जैसे ज़्यादा शौच के लिए जाना पड़ जाए या बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ जाए, कभी कभी दिल कच्चा हो जाना, ऐसे भी एक्चुअली ये सारे फिजिकल सिम्टम्स मतलब शारीरिक सिम्टम्स मानसिक परेशानियों के होते हैं। नींद ना आना, इस तरह के कई सिम्टम्स हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के सिम्टम्स हो सकते हैं। बिल्कुल, और आज आपसे हम यहाँ पर इन्हीं सब विषयों पर जो है वो बातचीत करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी मानसिक और शारीरिक समस्याएं जो है वो महिलाओं को हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर राजेश, आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं के अंदर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं मानसिक जो पुरुषों को नहीं होती, उसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बहुत सही सवाल आपने किया है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है जो महिलाओं में जो हो सकती है जो पुरुषों में नहीं है, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हम बता सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उस वक्त भी मानसिक समस्याएं होती हैं, बहुत शोध है इसमें। और उस वक्त क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है एक महिला के जीवन का, और उस वक्त तनाव भी होता है तो और उसका डेवलपिंग बच्चे पे भी उसका असर होता है, देखा गया है। तो एक तो वो हो गई, फिर दूसरा जो है एक बार डिलीवरी होने के बाद वो समस्याएं होती हैं जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं या पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं या पोस्टपार्टम कभी कभी साइकोसिस, कभी कभी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और उसका असर जो है बच्चे पे होता है। देखिए, बहुत ज़रूरी बात समझना ये है जब हम महिला और पुरुष की जब बात करते हैं, चूँकि आपने सवाल पूछा, क्योंकि सीधा असर उसका बच्चे पे होता है, चाहे वो एक जब वो गर्भावस्था की स्थिति हो
या बच्चे का जब जन्म लेने के बाद, क्योंकि जो सीधा केयर मदर चाइल्ड रिलेशनशिप उसके बच्चे पे होता है, तो इसीलिए जो उसका प्रभाव जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो मदर का जो स्वास्थ्य है, खासकर जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका समझना, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर मदर का स्वास्थ्य, माँ का स्वास्थ्य सही रहेगा तो उसका, ये देखा गया है कि इवन बच्चे जो होते हैं वो भी उनका स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि सीधा असर होता है। और कभी कभी जब सीवियर किस्म की समस्या हो जाती है उस वक्त फिर देखना होता है कि बच्चे की सिक्योरिटी और भी सारी चीज़ें होती हैं, जब हम डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, तो ये सब बातों का जिक्र होता है। क्योंकि एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि बच्चे लैक्टेशन होता है उस वक्त में, तो बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं उस वक्त का नहीं दी जाती, क्योंकि वो मिल्क में सिक्रीट होती हैं, क्योंकि वो बच्चे पे उसका असर ना हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि बच्चा साथ में, क्योंकि दोनों एक यूनिट हैं और हमें उनका भी ध्यान, बच्चे का भी ध्यान रखना है, तो ऐसा कोई दुष्प्रभाव बच्चे पे ना पड़े, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और यही चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, जो हम कह सकते हैं कि जो पुरुष से अलग है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें बताना बहुत ज़रूरी है, कि वुमेन जो है या इवन एनी गर्ल, दे आर विक्टिम्स ऑफ एनी अब्यूज़ एज सच ऑल्सो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसकी भी अलग किस्म की समस्याएं हो सकती हैं, ये देखा गया है, क्योंकि उसका प्रभाव शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, ये सब होता है, और इसके बारे में कानून भी है। और तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक वर्ग है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबको समझना, कि वो भी विक्टिम्स के तौर पर उसका जो सीधा असर होता है। लेकिन कुछ और, जैसे अगर हम प्रॉब्लम की बात करें जो ज़्यादा होती हैं, जैसे डिप्रेशन की बात कही, डिप्रेशन वुमेन महिलाओं में 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है समझना। और इवन कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं जो होते हैं, वो भी महिलाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक समस्याएं, वो ज़्यादा होती हैं, और अगर कहें सिर्फ महिलाओं में होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी रिलेटेड या पोस्टपार्टम रिलेटेड, वो एक्सक्लूसिवली जो है महिलाओं में होती हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर ममता, यहाँ पर मैं एक प्रश्न इसी के संदर्भ में जो है वो आपसे एक जोड़ना चाहूँगी, कि जब घर में बच्चा आता है, डिलीवरी होती है एक माँ की, तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि खुश हो, घर के अंदर बच्चा आया है। और कई बार क्या होता है कि महिलाएं एक बंद कमरे में खुद को कर लेती हैं और वो रोती हैं, और वो किसी को अपनी पीड़ा बता भी नहीं पाती, क्योंकि उनको लगता है कि घर में कोई उन्हें समझ भी नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि हम देखा जाता है आमतौर पर हमारी सोसाइटी में, ये कहा जाता है कि बच्चा आया है, तुम क्यों मुंह बना के बैठी हो, तुम क्यों रोए चले जा रही हो। तो इसके बारे में भी एजुकेशन लोगों को होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है आखिरकार पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और ये कितने समय तक रहता है? क्योंकि स्टडीज़ कहती हैं कि 7 साल तक जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन लगभग जो है वो 7 साल तक रहता है। कितना ठीक है ये? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, कि जो ऐसा माना जाता है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, वो सबसे बढ़िया फेज़ लाइफ का उसका होता है, एक मतलब बहुत बड़ा रोल वो ज़िंदगी का जी रही होती है मदर बनने में। पर साथ ही साथ ये भी सच है, और ये पिछले कुछ मतलब दशकों से ये बात समझ में आई है, ये भी सच है कि उस वक्त कुछ महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी आती है प्रेगनेंसी के दौरान भी, कम से कम मतलब अराउंड दे से 10-25%, मतलब 10-25% औरतों को मानसिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुतों को उदासी, बेचैनी, घबराहट हो जाती है। तो जब डिलीवरी हो जाती है, ये सारा क्योंकि उस वक्त प्रेगनेंसी के वक्त हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, उसके बाद जैसे डिलीवरी होती है उस वक्त भी एक हार्मोन्स में बहुत चेंज आता है, कि बहुत सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। उसके बाद बहुत लोगों को कई तरह की परेशानियाँ, मेंटल परेशानियाँ हो जाती हैं, जैसे आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन स्पेसिफिकली पूछा, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ऐसा देखने में बहुत ज़्यादा आया है, जिसे हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं। जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ होते हैं वो शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी, जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद,
और ये माइल्ड होते हैं, रोना आता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं लगती, नींद नहीं आती, परेशानी लगती है, और जैसे आपने कहा कमरे में बंद हो गए, समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, इस वक्त तो मुझे खुश होना चाहिए, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो पर ये लकीली जो ये पोस्टपार्टम ब्लूज हैं, एक्चुअली आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कम से कम 50% औरतों में ही होते हैं जो पोस्टपार्टम, उससे ज़्यादा। तो इस पर ये सेल्फ लिमिटिंग है, सेल्फ लिमिटिंग का मतलब फैमिली के सपोर्ट से ये और अपने आप थोड़ा ध्यान रखने से ये ठीक हो जाते हैं। इसके लिए दवा की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय 1.5-2 हफ्ते में ये ठीक हो जाते हैं। जी, इससे ऊपर एक और उससे ज़्यादा ऊपर होता है जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जो शुरू होता है जिसमें क्लासिकल डिप्रेशन के फीचर्स होते हैं। ये बात वैसे भी मैं कहना चाहूँगी कि जो डिप्रेशन का इमोशन एक होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हमने जैसे हमारा पर्स खो गया, ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, पर्स खो गया तो हम उदास हो गए, हम कहेंगे हम डिप्रेस्ड हैं, पर वो डिप्रेशन बीमारी नहीं होती है। तो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या डिप्रेशन की बीमारी के जो लक्षण होते हैं, ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि मन बहुत उदास रहता है, कुछ लोगों में उदासी की जगह चिड़चिड़ापन आ जाता है, कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो बात बात पे चिढ़ते हैं, और दूसरा हो जाता है थकावट, लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है, लेटे ही रहें, बिल्कुल। तीसरा होता है किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है, कि जो पहले अच्छा लगता था जैसे सजने में, बात करने में, टीवी देखने में, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, साथ साथ में चिंता, एकाग्रता की कमी, भूख की कमी, अरे ये तो सब ठीक नहीं है, कैसे होगा, बहुत अपराधी भावना लगती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी यही फीचर्स होते हैं, बिल्कुल। और ये जो डिप्रेशन होती है ये विदिन 6 वीक्स आ जाती है, जैसे वो तो एकदम डिलीवरी के 2-3 दिन के अंदर आता है जो पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, जो माइल्ड होते हैं, हल्के क्वांटिटी में होते हैं, पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन विद इन 4-6 वीक्स 1.5-2 महीने के अंदर आ जाता है और थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके लिए कुछ केसेस में इलाज की ज़रूरत होती है, जहाँ थोड़ा ज़्यादा सिवियर हो तो हमें दिखाना पड़ता है, कुछ अपने आप से ठीक हो जाते हैं और कुछ के लिए थेरेपी से भी आराम आ जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर ममता इसके संदर्भ में आगे बात करेंगे। हमारे एक कॉलर जो है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, अस्मिता जी, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हाँ, अस्मिता जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, महाराष्ट्र से आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ मैडम, मुझे ये पूछना था जी। हाँ मुझे ये पूछना था मैडम कि मुझे मानो अगर कोई सवाल हो और उसका जवाब जो होता है वो अलग से होता है, और जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कह नहीं पाती, मानो कोई भी बोल देता है और मैं उसको कोई भी उत्तर नहीं दे पाती, और जो बात मुझे उससे कहनी होती है वो मैं उससे कह नहीं पाती, और इस बात का मुझे वो बात मेरे जहन में इतनी व्यक्त है कि मैं दूसरा कोई विचार ही नहीं कर सकती, और मुझे ये जानना था कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, मतलब जो मुझे उनसे कहना था वो मैं उनसे कह नहीं पाती और अंदर ही अंदर में उनसे सोचती रहती हूँ और ये बात मेरे जहन से निकलती ही नहीं मेरा। जी बिल्कुल, तो डॉक्टर राजेश इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि अक्सर जो है वो लोगों के साथ ये देखा जाता है, महिलाओं के अंदर भी ये चीज देखी जाती है, कहना कुछ चाहती है, समझती कुछ है, सोचती कुछ है, बोल कुछ और देती है, तो कुछ ऐसा ही अस्मिता जी के साथ भी हो रहा है? नहीं, ये बात अस्मिता जी ने जैसे बताया कि ये बताना जरूरी है कि ऐसा उनके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ होता है, और इसको ये ना सोचें कि ये कोई बीमारी है या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई डिजीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको, क्या होता है जब कोई बात कोई किसी से कहता है, अगर हम उस पर ध्यान ना दें, अगर उस पर हमारा फोकस नहीं होता, तो क्या होता है कि हम वो बात रजिस्टर नहीं करते, फिर अपने हिसाब से फिर उसको फिर हम याद नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बात है आप उसको कोशिश करें कि उसको पूरा ध्यान से आप सुने और उसके बाद उसका जवाब दें, और ये अक्सर एंजाइटी में ऐसा होता है, थोड़ा इंसान जब घबराता है उसे ऐसा लगता है मैं भूलने लगा हूँ, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि जो बात कही गई है वो उसको रजिस्टर नहीं की है, जब उसको रिट्रीव करता है तो उसे लगता है मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि थोड़ा सा उस वक्त आप अपने आप को एकाग्रता से उस बात को सुने या समझें,
और उसके बाद उसका उत्तर दें, या हो सकता है कि हमने अगर जाना नहीं, अगर आपको कुछ एंजाइटी के या कुछ लक्षण हैं या कुछ सिम्टम्स हैं, उसको पहचानना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए घबराहट है, जैसे अभी चर्चा कर रहे हैं कि आपको बार बार थोड़े से हाथ कांप रहे हैं, या आपको लगता है कि दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो अब ऐसे कुछ शारीरिक लक्षण हैं, या कुछ ऐसा मानसिक लक्षण भी हो सकते हैं, एकाग्रता की कमी हो गई, आपको लगे कि आप भूल रहे हो, तो ये सब एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं, जो कि इसको हम कहते हैं कि माइल्ड प्रॉब्लम है ये। और अगर ऐसा है तो आप ज़रूर इसका संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आम तौर पर ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया है। और जीवन में ऐसा होता है, कोई चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते तो हमें लगता है हमें लगता है कि हम उस पर क्यों इतना अपना टाइम अपना ख़राब करें, क्योंकि आफ्टरऑल सब चीज़ें लिमिटेड होती हैं, और कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं होती तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इस चीज़ को ये ना सोचें कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है, मगर ये सिर्फ हो सकता है कि आपकी घबराहट का एक नतीजा हो, या आप उस बात पर कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो। बिल्कुल, और डॉक्टर ममता, इस विषय पर आपसे भी हम ज़रूर आगे बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें, देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी शारीरिक या मानसिक अगर आपको भी हो रही है तो आप हमें फ़ोन कर सकती हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113-0060 और 61। स्वस्थ किसान live@gmail.com यह हमारा ईमेल आईडी। अगर ईमेल के जरिए भी आप प्रश्न पूछना चाहती हैं तो आप हमें ईमेल भी जो है वो कर सकती हैं। हमारे अगले कॉलर जो है वो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, कप्तान सिंह नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें मुंबई से फोन किया, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरे उम्र करीब 58 है और मेरी पत्नी की उम्र करीब 54 है जी। कभी भी कोई समस्या, मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, हमेशा मेरी पत्नी मुझ पे ही इल्जाम लगाती है। जी, ये तो घर घर की कहानी है। बिल्कुल, तो आप नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ इससे जी, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमेशा मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, चाहे गलती कई जगह, क्योंकि क्या है ना, उनके बच्चों के प्रति प्यार ज्यादा है मेरे पास, मेरे एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, पैसे की कोई समस्या नहीं है, फिर भी वो कहती है कि मेरा अधिकार पत्नी के पति के पैसे पे, ना कि बच्चों के पे। वो भी एक, जबकि बच्चे बोलते हैं कि आपका पैसा हमारा एक ही तो है, लेकिन वो एग्री नहीं होते, नहीं मेरा अधिकार केवल मेरे पति के पत्नी के ऊपर, ना कि बच्चे, क्योंकि बच्चे की, लड़के की मेरी शादी हो गई, लड़के की, लड़की अभी पढ़ाई कर रही है जी। तो डॉक्टर ममता, क्या इसे समझा जा सके? आपका कप्तान सिंह जी, धन्यवाद, आपने बहुत ही, आपकी जो सवाल है वो एक, जैसे कहा कि घर घर की कहानी है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो पत्नी है आपकी वो हर बात पे आपको ब्लेम करती है। बेसिकली इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो पत्नी है आपकी वो सिर्फ आपको, आपके साथ उसका रिश्ता ऐसा है, हक का रिश्ता, जिसमें वो आपका ध्यान भी रखती है,
आपको कहती है भाई जो मेरी परेशानियां आपकी वजह से हैं, या फिर वो ये भी कह रही है कि जो पैसा मैं सिर्फ आपसे लूँगी, किसी और से पैसा नहीं लूँगी। तो ये दो तीन चीज़ें मुझे समझ में आई। तो और जो ब्लेम करने का कारण हो सकता है कि अब मुझे नहीं पता कि आप में क्या ऐसी बातें हैं, आप ऐसा क्या कहते हैं जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ रहती हैं। तो उसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर आप चाहें कि कोई आपकी गलत फहमी हो गई है या वो आपको ब्लेम कर रही है, तो सबसे अच्छा होता है कि आप दोनों आपस में बैठें, थोड़े ठंडे दिमाग से बैठें और कहें, कम्युनिकेशन करें कि भाई तुम मुझे ब्लेम करती हो, किस बात पे ब्लेम करती हो, मैं अपने में ऐसे क्या बदलाव लाऊं कि मैं जिससे तुम्हें ये परेशानी ना हो। उसी तरह वो अपनी बात कहे और आप उसे बताएं कि भाई आप हमें ब्लेम करती हैं, कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसको आप हम मैं क्या आप इसको इस तरह से सुधार सकती हैं। तो इसे कहते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दोनों आपस में बात करें इस बारे में और इस बात को समझें और उस उन चीज़ों को बदलें जो दोनों बदल सकें अपने आप में, दोनों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर ईमेल के जरिए भी जो है हमारे पास प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं। हमें पहला प्रश्न भेजा है चंद्रभान कश्यप जी ने लखनऊ से, और वो ये लिखते हैं कि मैं एक बार ट्रेन की भीड़ में फंस गया था और तभी से भीड़ देखकर डर जाता हूँ और तेज़ म्यूज़िक से भी घबराहट होती है। डॉक्टर राजेश क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, क्या आमतौर पर लोगों को इस तरीके की समस्याएं क्यों होती हैं? एक बार अगर कई लोगों को जैसे लिफ्ट का फोबिया होता है तो इसको किस तरीके से समझा जा सकता है? नहीं, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो उसमें इस तरह के लक्षण बिल्कुल हो सकते हैं जैसे बताया, भीड़ के अंदर जो है उस वक्त घबराहट, बेचैनी, ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जिसको हम अपनी भाषा में फोबिया कहते हैं। वो भी फोबिया भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है जिसको हम कहते हैं एग्रोफोबिया जो सिचुएशन में होता है, एक होता है जिसको कहते हैं सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया जहाँ पे आप स्टेज में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि लोग आपको आँक रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको आपका अवलोकन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको घबराहट होती है, उसे कहते हैं सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया, जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ से आपको घबराहट होती है, जैसे ब्लड खून देखकर आपको घबराहट होने लगे या कोई ऐसा जानवर देख के घबराहट होने लगे, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है इसको समझना, और इसको अक्सर कई लोग सोचते हैं कि बीमारी है या नहीं, वो समझ नहीं पाते हैं, और अक्सर जब हमारे पास आते हैं तो वो काफ़ी वक्त लगा देते हैं। हम उनसे पूछते हैं आपको तो प्रॉब्लम 5 साल 10 साल से है, लेकिन आप अब क्यों आए हमारे पास? कहते हमें पता ही नहीं था इसका ये बीमारी है या नहीं, या हमें ये अगर बीमारी मान भी ले तो ये नहीं पता होता हमें किससे डिस्कस करना है या किससे बातचीत करनी है इसके बारे में। तो ये बताना चाहते हैं सभी दर्शक को जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, अगर ऐसा लक्षण है, फोबिया है, ऐसी भीड़ में है, या आपको ट्रैवल करते हुए है, या इवन कई बार हमारे पास ऐसे व्यक्ति आते हैं, मैं बताता हूँ क्लिनिक में, जहाँ पे उनको पहली बार प्लेन में जाने में बहुत घबराहट होती है, अकेले पहली बार, तो वो और हमने कई बार देखा है कि ऐसे कंसल्टेशन होते हैं, या कई लोग जो है लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करते, आपने देखा होगा, और कभी कभी कुछ व्यक्ति जो एस्केलेटर इस्तेमाल नहीं करते, वो सीढ़ी से जाना पसंद करते हैं। तो ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि इसको आप डिस्कस करें, डॉक्टर से बातचीत करें या किसी विशेषज्ञ से इसके बारे में चर्चा करें, तो इसका पूरा इलाज संभव है, और उसमें कभी कभी दवा दी जाती है, और इसको और जो है थेरेपी होती है अलग किस्म की, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर थेरेपी, और तरह की इसकी जो टेक्निक है वो सब दी जाती हैं, जो अलग अलग उसके नाम हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ट्रीटेबल कंडीशन है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर इस तरह की समस्याएं अगर किसी को है तो अपने आप में परेशान ना हो, क्योंकि इसका डिस्ट्रेस बहुत होता है। ये ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि क्या होता है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो शारीरिक बीमारी है, जैसे मान लीजिए किसी को दिल की बीमारी हुई, वही असली बीमारी है, या किसी को बुखार हुआ है वही असली बीमारी है। अगर किसी को मानसिक बीमारी होती है, जैसे कोई चुप है या खामोश है, घबराहट है, तो अक्सर लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो असली बीमारी नहीं है, रियल नहीं है, ये तो पता नहीं इसको हम यहाँ घुमाने ले जाएंगे या इसको यहाँ कर लेंगे, इसको अच्छा खाना खिला देंगे तो ठीक हो जाएगा, तो इसको ये सीरियस नहीं लेते हैं और इसको ये रियल बीमारी नहीं मानते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है, जैसे घबराहट की बताया,
ये भी डिस्ट्रेस होता है, इसमें काफ़ी कष्ट होता है इंसान को, जो इससे गुजरा है वही बता सकता है कि कितना कष्ट होता है इससे। लेकिन जो अच्छी बात, जो 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 एक पॉजिटिव बात हम ये कहेंगे, अगर इसको पहचान लें, इसका इसका पूरा इलाज संभव है, पूरी तरह से ट्रीट हो सकते हैं और पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं, जो आपका कष्ट है वो आपका दूर हो सकता है, बशर्ते आप इसका प्रॉपर इलाज कराएं तो। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर कपिल शर्मा जी सोनीपत से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो हेलो कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? शरीर में थकावट भी रहती है और जो है नींद बहुत आती है बड़ा। ठीक है कपिल जी, आपकी उम्र? कपिल जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? ठीक है, डॉक्टर ममता क्या बताना चाहेंगी? शरीर में थकावट रहती है, नींद आती है, क्या ये किसी तरीके का मानसिक तनाव हो सकता है? कई बार क्योंकि लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब किसी जॉब से उनको निकाल दिया जाता है या उनका अंदर से कुछ करने का मन नहीं करता, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट होती है उनको, फोमो जिसे आजकल की जेंजी भाषा में हम कहते हैं, फोमो हो जाना, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि किसी के पास कुछ अच्छा है मेरे पास नहीं है, तो क्या इस तरीके की चीज़ें भी तनाव का कारण जो है वो हो सकती हैं? कपिल जी का सवाल ये है कि थकावट उनको हो रही है, बहुत ही बढ़िया इस तरह से सवाल है कि हम किसी को अगर थकावट है तो हम उसको कैसे उसके बारे में सोचें। तो जैसे थकावट का कारण अनीमिया भी हो सकता है, थकावट का कारण शारीरिक कारण जैसे अनीमिया हो सकता है, बुखार हो सकता है, खाना ठीक से नहीं खाया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, पर मानसिक तौर पर जैसे आपने कहा कि बहुत सारे तनाव, जैसे कई तरह के तनाव जो हमारी मॉडर्न जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी थकावट का कारण हो सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, घर में भी स्ट्रेस है, तो उन सब चीज़ों में आप ये ना कह के कि मुझे बहुत काम है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मुझे थकावट हो रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा, मुझसे मैं उठा नहीं जा रहा है। तो जो थकावट है वो मानसिक अस्वस्थता का भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मानसिक और शारीरिक समस्याएं जो होती हैं क्या वो साथ साथ चलती हैं? मतलब पूछने का मतलब यह है कि अगर किसी को किसी तरीके की कोई शारीरिक समस्या है तो क्या उसका असर मानसिक तौर पर भी पड़ेगा? बहुत सही सवाल आपने पूछा है और इसको मैं ऐसे बताऊँगा कि जैसे सबसे पहले ये कहूँगा कि जो परिभाषा है स्वास्थ्य की, उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीनों हैं और स्पिरिचुअल भी है, तो कहने का मतलब ये सब सम्मिलित हैं उसके अंदर। और ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर चूँकि इसका जो रिलेशन है, अक्सर हम कहते हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप, और ये कभी वैसे ये अलग अलग हैं लेकिन इसका लिंक बहुत स्ट्रांग है। कहने का मतलब ये है अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक परेशानियाँ भी हैं तो उसका असर मानसिक रूप में भी होता है, बहुत सारी बीमारियां हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करें, आपको कोविड है, इन्फेक्शन हुआ है, तो आप भी लगेगा डाउन हो जाते हैं, मन लगता है मैं किससे बात करूं या चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो इमोशनल सिम्टम ऐसे आ सकते हैं। और उल्टा भी होता है, अगर आपका मान लीजिए आपको मानसिक बीमारियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो उसके लक्षण शारीरिक भी हो सकते हैं, जैसे घबराहट में बताया कि आपका दिल धड़कना या आपको नींद नहीं आना या आपकी भूख कम हो गई है या थकावट जो है बहुत बड़ा सिम्टम है। वैसे लगने को तो ये शारीरिक लगता है लेकिन इसका जो असर है वो मानसिक भी हो सकता है, तो दोनों का रिलेशनशिप है। अब आते हैं बीमारियों को लेकर। अब जैसे कुछ बीमारियां हैं जो शारीरिक हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे हार्ट की बीमारियां हैं या डायबिटीज़ है या थायराइड की बीमारियां हैं, तो हालांकि ये सब मेडिकल कंडीशन है लेकिन ये देखा गया है, हम बताते हैं ये 30-40% अप टू 30-40% इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की शारीरिक समस्याएं, बहुत सारे हमारे पास रेफरल आते हैं हमारे जैसे एम्स में या जहां जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो मनोचिकित्सा विभाग में काम करते हैं, रेफरल आते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट से या इवन सर्जरी डिपार्टमेंट से या हार्ट के डिपार्टमेंट से या और भी डिपार्टमेंट से आते हैं, क्योंकि उनको वो अपना इलाज कराने तो गए हैं अपने शारीरिक कंडीशन के लिए, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने पाया कि ये उदास है या चिड़चिड़ा है या इसको और भी मानसिक समस्याएं हैं। तो ये देखा गया है कि इस तरह की समस्याएं जो हैं
जो व्यक्तियों को जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसमें 30% या उससे भी ज़्यादा जो है उनको मानसिक कंडीशन भी हो सकती हैं और रिवर्स भी होता है। जैसे हमारे पास आते हैं साइकियाट्री में तो हो सकता है हम पाते हैं कि उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट की बीमारियाँ, तो हम उनको रेफ़र करते हैं। तो ये दोनों को मिलाकर समझना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ की, हम कोई स्पेसिफिक उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो आउटकम है, उसका जो परिणाम है, अल्टीमेटली यह है कि हमें सबको सबको एक साथ लेकर चलना है। हम सिर्फ एक चीज़ को नहीं देख सकते, हमें सबका उसकी टोटल हेल्थ जो है उसी के बारे में हमें देखना है। ठीक, बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर शंभू कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दरभंगा बिहार से, उनका फोन लेते हैं। हेलो, हेलो शंभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो बहुत घबराने लगते हैं, ठीक है, और कंपन सा होने लगता है। हेलो, हाँ जी, हम किसी इंसान से बात करते हैं तो घबराने लगते हैं और कंपन सा शरीर में होने लगता है। कंपन सा शरीर में होने लगता है। अपनी उम्र बताएंगे शंभू जी? जी 45। 45 साल आपकी उम्र है और ये समस्या जी उसके चलते पाइल्स भी ठीक है। और कितने समय से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं? विगत 4-5 साल से। 4-5 साल से, बिल्कुल। डॉक्टर ममता क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये जैसे कि पहले इस बारे में हमने भी चर्चा की है, जो आपको घबराहट है, आपको घबराहट की बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि घबराहट की बीमारी में घबराहट होती है, एक इस तरह की घबराहट होती है जैसे अभी डॉक्टर सागर ने बताया कि तीन तरह की घबराहट की बीमारी है, तीन तरह, जिसमें एक ऐसी घबराहट होती है जिसे लोगों से जब हम बात करते हैं तब हमें घबराहट होती है। आपको बिल्कुल घबराहट के आपको इमोशनल सिम्टम्स हैं, मानसिक सिम्टम्स हैं और शारीरिक सिम्टम्स हैं, जैसे आपको कंपन होती होगी, दिल धड़कना शुरू हो जाता होगा या पसीना आना शुरू हो जाता होगा। तो जो आपने कहा ना कि किसी से मैं बात करता हूँ तब घबराहट होती है, इसको हम सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, कि जब हम सामाजिक सिचुएशन में आ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम घबरा जाते हैं, हमें इसी वजह से हम ऐसा लगता है कि कोई हमें जज ना कर ले, कोई हमारी बात को बुरा ना मान जाए, तो इसका हमें इलाज करना चाहिए। और ये क्योंकि आपके पहले तो नहीं था, 4-5 साल से ही है, तो इसलिए इसका आपको इलाज करवाना ज़रूरी है किसी के साथ, किसी भी डॉक्टर, इवन जो जनरल डॉक्टर हैं वो भी इसका इलाज कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास कोई साइकाइट्रिस्ट हैं इसका इलाज करवाएं और आपको बहुत आराम आएगा। दो तरह का इलाज है, दवाई का इलाज भी है और बातचीत का इलाज भी है, तो दोनों करने से आपको आराम आएगा। ठीक, डॉक्टर राजेश, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर अपनी परेशानियों को किसी डॉक्टर के पास जाकर बताने में थोड़ा घबराते हैं, खासकर जब हम बात करते हैं मानसिक तनाव के बारे में, तो एक सर्टेन एज के बाद लोग कहते हैं कि हम जाकर डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम थोड़ा बाहर घूमाएंगे, हवा पानी बदल जाएगा तो उससे सब ठीक हो जाएगा, तो ये चीज़ कहाँ तक जो है वो सही रहती है? अपने दिनचर्या में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए जिससे कि थोड़ा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से दूर हैं? क्योंकि शहरों में तो ये देखा जाता है कि ठीक है, लोग घर में भी काम करते हैं, बाहर ऑफिस में भी काम करते हैं, लेकिन ये समस्या अब गाँव तक भी जो है वो अपना रुख कर चुकी है, तो इस संदर्भ में क्या जानकारी देंगे, कैसे इन चीज़ों से निजात पाया जा सकता है? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अक्सर हम समझते हैं कि जो व्यक्ति गांवों में रहते हैं उनको समस्या नहीं होती, ऐसा नहीं है। हालांकि प्रतिशत कम हो सकती है लेकिन वो उनको भी प्रॉब्लम होती है। और जो पहले जो आपने बात कही कि क्योंकि इसको इतना सीरियसली नहीं लेते, जैसे मैं पहले भी चर्चा कर चुका था, मैं अक्सर ये कहता हूँ और मैं फिर दोहराऊँगा उस बात को, हम जिस तरह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से हमें अपना इमोशनल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम चोट लग जाती है हम तुरंत अस्पताल जाते हैं, पट्टी करते हैं, इमरजेंसी में जाएंगे, उसी प्रकार अगर हमें लगता है मेरा मन खराब है, मैं विचलित हूँ, मुझे समस्या है, तो ज़रूर इसको भी उतना ही ध्यान दें, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अक्सर सोचते हैं कि मैं इधर उधर जाने से या कुछ अच्छा घूमने फिरने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर वो बीमारी है, मैं फिर दोहराता हूँ, अगर वो बीमारी है
तो उसको उसी प्रकार से समझना होगा, उसका डायग्नोसिस बनेगा और उसका ट्रीटमेंट होगा। और बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से समस्याएं हैं जो हैं पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और लेकिन इसमें बहुत हम लोग इग्नोर कर देते हैं सारी चीज़ों को, और इसका हम पूरी तरह ध्यान नहीं देते हैं। और हमें उसी प्रकार से ध्यान देना है जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। दूसरा आपने क्या पूछा था? यही कि लोग अक्सर अपनी बात जो है वो डॉक्टर्स के पास जाकर शेयर करना थोड़ा सा हिचकते हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, देखिए एक बात बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो है दो बातों में जो हमारी मानसिक समस्याएं वो अलग होती हैं शारीरिक समस्याओं से। एक होता है मानसिक स्वास्थ्य के मानसिक परेशानियों के स्टिग्मा अटैच्ड होता है, हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, इसीलिए वो झिझकते हैं, वो किसी को बताएंगे नहीं, वो चुप चुप रहते हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा इसका समझना चाहिए इसको कि बहुत बड़ा कारण है कि इसके लिए हेल्प नहीं लेते हैं। अगर किसी को मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है तो तुरंत चला जाएगा, डिस्कस करेगा, लोगों से बातचीत करेगा। लेकिन अगर किसी को मानसिक समस्या है तो वो चुप चुप रहते हैं, वो बताते नहीं हैं, क्योंकि स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा कारण है, एक ऑब्स्टेकल है हेल्प ना लेने का। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जो हमें अलग करता है जो मानसिक स्वास्थ्य को, मानसिक परेशानियों को फिजिकल हेल्थ से, मेडिकल हेल्थ से। एक जो हम बोलते हैं कि व्यक्ति को खुद को कभी कभी पता नहीं होता वो बीमार है। मानसिक बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि उसको खुद अपने आप पता नहीं होता। जैसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं इनसाइट, मतलब हमें अपने बारे में नहीं पता कि मैं बीमार हूँ। वो कहता है जबकि नहीं, इन मेरे घर वालों को प्रॉब्लम है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जबकि तो ये बड़ा चैलेंज होता है। और इसीलिए जो है हम कहते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन अगर किसी को मेडिकल समस्या है तो आराम से, या कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है वो कहेगा मुझे प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो ये चैलेंज होता है और इससे हम इसको हम पार पाते हैं, इसको ओवरकम करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हम बताना चाहते हैं कि ये इस तरह के जो चैलेंज है ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसको जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहते या बताना नहीं चाहते, ये सब वजह है। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा कारण है मानसिक बीमारियों को लेकर, और ख़ासकर इवन गाँवों में भी इसके बारे में इतनी जागरूकता नहीं होती। लेकिन हालांकि इसकी जागरूकता बढ़ रही है इस तरह के प्रोग्राम करके, या आजकल जो चर्चा होती है जैसे पहले की बनिस्पत, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है ये। बिल्कुल, कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइफ उन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के शारीरिक और मानसिक जो भी अगर आपको समस्याएं हैं उनके संबंध में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 1800-1130-6061 पर, स्वस्थ किसान live@gmail.com हमारा ईमेल आईडी। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर केशव जी मौजूद है इस वक्त रांची से, फोन लाइन पर सवाल लेते हैं उनका। हेलो हेलो केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने रांची झारखंड से फोन किया, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं 16 साल से दवा खा रहा हूँ जी, मानसिक रोगी मैं हूँ। ठीक है, और एज पर स्टेट बाय डॉक्टर दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज स्किज़ोफ्रेनिया। हाँ मैडम जी और जैसे डॉक्टर बताया गया कि मैं मानसिक रोगी हूँ,
और मेरे केवल भय था और कुछ नहीं। तो डॉक्टर मेरे को स्किज़ोफ्रेनिया का दवा चलाया और 16 साल से मैं दवा खा रहा हूँ। ठीक है, दवा एक दिन छूट जाता है तो जैसे लगता है दिमाग काम करना बंद कर दिया है। मैं क्या करूं मैडम, बताइए। ठीक है, आप हमारे साथ फोन पर बने रहे, फोन मत काटिएगा। डॉक्टर राजेश, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, कोई पर्सनल अगर आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं। इन्होंने बता दिया और मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन एक मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट दिया है कि दवा 16 साल से ले रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं दवाओं को लेकर। और मैं तो कहता हूँ कि इतने अच्छी तरह से उन्होंने बात की, अपनी बात भी कही है, हालांकि समस्याएं होंगी, अगर डॉक्टर ने उनका डायग्नोसिस बनाया है तो हम ये कह सकते हैं। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के कई सारे लक्षण होते हैं, और उन्होंने ये जरूर कहा है कि भय था। भय भी एक प्रकार की समस्या हो सकती है, क्योंकि भय भी कई प्रकार का होता है, और भी लक्षण होंगे। हो सकता है 16 साल से दवाएं ले रहे हैं तो काफ़ी सारे दवाओं से सिम्टम्स ठीक हो गए होंगे, जो कि उस वक्त हो सकता है ज़्यादा हों आज से 16 साल पहले। लेकिन ये बहुत अच्छी बात जो है हमें लगता है, जहाँ से वो बात कर रहे हैं कि रेगुलरली दवा ले रहे हैं, और यही हमें करना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह को माने, रेगुलरली उनके पास फॉलोअप कराएं, और जैसा वो कहते हैं करने से आपको काफ़ी हद तक आपकी परेशानियां ठीक हो सकती हैं। बाकी तो सिम्टम्स अगर जैसे उन्होंने बताया स्किज़ोफ्रेनिया है, अब स्किज़ोफ्रेनिया हम कहते हैं कि ये सीवियर मानसिक बीमारी होती है, इसमें एक तरह का शक भी हो सकता है, कुछ ऐसा हेलुसिनेशन हो सकते हैं, कुछ एक इमेजिनरी दुनिया में रह सकते हैं, लोगों पे शक कर सकते हैं, तो ये सब हो सकता है अगर किसी व्यक्ति, अब जरूरी नहीं है सब में ये सब लक्षण हो, नींद की कमी होना और कभी कभी अपना ध्यान ना रखना या आपकी फंक्शनिंग जो है अफेक्टेड हो जाती है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं। ये हम बाकी श्रोताओं जिनको ये समस्या है उनके लिए बता रहे हैं, ये हो सकता है उनके साथ ना हो या कभी पहले हो, लेकिन अगर किसी ने डायग्नोसिस बनाया है तो उन्होंने प्रॉपरली तरीके से बनाया होगा। लेकिन क्या डॉक्टर राजेश, किसी एक बीमारी का इतने सालों तक दवा खाना, क्या वो हमारे शरीर पर किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट भी क्या छोड़ सकते हैं? क्योंकि 16 साल से अगर किसी मेंटल इलनेस की अगर दवाई चल रही है और अब तक भी उसे बंद नहीं किया गया है, तो इसके संदर्भ में क्या जानकारी देना चाहेंगे? और ये दवाएं जो हैं ये कितने समय तक चलती है, क्या ता उम्र इन्हें खाना पड़ता है? देखिए, बहुत बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तरफ मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी भ्रांति है ये कि दवा इतने साल तक चलती है, लंबी चलती है। अगर हम एक एग्जांपल लें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का, वो तो ज़िंदगी भर चलती है, वो जीवन भर हमें लेनी पड़ती है। लेकिन हमें लगता है मानसिक बीमारियां जो हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि दवा हम कहते हैं लंबे समय तक चलती हैं, अब ये नहीं कहते कि जीवन भर चलेंगी, लेकिन लंबे समय हो सकता है 5 साल 10 साल 15 साल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपने डॉक्टर से बात की है, जहाँ से हैं उन्होंने रेगुलर अपना फॉलोअप किया होगा, डॉक्टर ने समझ कर ही उनको इतने समय तक दवा दी होगी, क्योंकि हो सकता है दवा छोड़ने से रिलैप्स हो जाता है, बीमारियाँ फिर से आ जाती हैं। तो ये दवा इसलिए दी जाती है कि आगे जाकर जो है रिलैप्स ना हो, प्रिवेंट करती हैं इस तरह के रिलैप्स को, इसीलिए लंबे समय तक चलाना होता है। लेकिन ये बहुत सारी इसमें भ्रांतियाँ ये हैं कि कई व्यक्ति कहते हैं ये गर्म दवाइयाँ हैं, छोड़ दो, ये आपको गलत नुकसान करेंगे। लेकिन दवाइयाँ तभी दी जाती हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो जहाँ होता है, मैं फिर समझाऊँगा इसको, जहाँ का मतलब ये होता है कि अगर वो आपको बेनिफिट ज़्यादा दे रही हैं आपके साइड इफ़ेक्ट्स, तो दवा कंटिन्यू होती हैं। लेकिन अगर ये अपने डॉक्टर के संपर्क में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, रेगुलर फॉलोअप करा रहे हैं, फिर भी दवा कुछ व्यक्तियों में लंबे समय तक चलती हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है इतने समय तक है, क्योंकि हमें लगता है कि डॉक्टर से लगातार ये सलाम विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद दी होगी। लेकिन ये एक प्रकार का एक्सट्रीम है, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें दवा हो सकता है 6 महीने तक ही हो, उससे भी कम हो। तो ये बीमारी बीमारी पे डिपेंड करता है, और उनके बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उनके घर में कौन है, कौन सपोर्ट सिस्टम है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, उसके साथ और क्या प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी बीमारियां होती हैं, इतनी सारी दवाइयां होती हैं, उसके हिसाब से तय किया जाता है किसको कितने समय तक दवा देनी है, कितने समय तक। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, साइकियाट्रिस्ट के संपर्क में रहें, उनकी सलाह को माने। और ये मैसेज बाकी लोगों के लिए भी है, क्योंकि अक्सर रिलैप्स इसलिए होता है, बीमारियां बढ़ती हैं क्योंकि हम दवा अचानक बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके अलग से परिणाम है, दुष्परिणाम है। क्योंकि दवा अगर बंद भी करनी है तो धीरे धीरे बंद की जाती है, एकदम नहीं की जाती है, और वो भी डॉक्टर के कहने के बाद ही की जानी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ ईमेल के जरिए हमारे पास एक प्रश्न आया है, मंजुलता जी ने हमें नागपुर से लिखा है, मेरी माँ जो कि पुरानी बातें याद रखती हैं लेकिन नई बातों को जल्द भूल जाती हैं, उनकी उम्र 62 साल है और उन्होंने डायबिटीज भी है। डॉक्टर ममता क्या बताना चाहेंगे इसके संदर्भ में, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है लोगों के पास बाद एक कहते हैं कि 60 साल के बाद आपको जो एक अपनी जिंदगी का एक पड़ाव था वो बातें याद रहती है लेकिन नई बातें आप भूल जाते हैं, तो इसके संदर्भ में क्या जानकारी देना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक ये सवाल पूछा नहीं है। जो आप बता रहे हैं कि मदर 62 ईयर्स की हैं और भूल जाती हैं पुरानी बातें याद रखती हैं। ये सिम्टम याद कर लीजिए, पुरानी बातें याद रखना और नई बातें भूल जाना, ये यूजुअली ज़्यादातर डिमेंशिया एक बीमारी होती है। मुझे नहीं पता कि उनको है कि नहीं, पर डिमेंशिया के ये लक्षण हैं। सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि उसमें जो पिछले दो दिन की चीज़ें हैं, एक या दो दिन की, जैसे घर में कौन आया, खाना क्या खाया, नहाए कि नहीं नहाए, या जो उस तरह क्या एक्टिविटीज़ हुई, हमने कौन किससे मिले, क्या प्रोग्राम देखा, ये सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, पर पिछली यादें पूरी याद रह जाती हैं उसमें। और साथ के साथ इन मरीज़ों में ये काफ़ी बड़ा साइन होता है पकड़ने के लिए, और इन मरीज़ों में और बाकी जो इनकी पर्सनालिटीज़ होती हैं उनमें चेंज आ जाता है, जैसे उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा है। पर जो आपकी मदर हैं तो उनमें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ जो दो बीमारियाँ फॉरगेटफुलनेस कर सकती हैं वो हैं डिप्रेशन, क्योंकि 62 ईयर्स की हैं, मेनोपॉजल हैं, तो डिप्रेशन की बीमारी से भी कई बार हमें याद नहीं रहता, याद उस वक्त इसलिए नहीं रहता कि आपको एकाग्रता की कमी होती है, आपको रजिस्टर नहीं होता, जैसे आपने कोई काम किया आपको याद नहीं होगा कि मैंने कैसे किया, ये चाबी कहाँ रख दी, आपने ध्यान से रखी नहीं वो चाबी, उसकी वजह से भूल जाता है। और डिप्रेशन के बाकी साइन जैसे उदासी, खाना ना खाना, सुबह सुबह मन में ज़्यादा उदासी होना, भूख ना लगना, किसी चीज़ में अच्छा ना लगना, कपड़े की तरफ ध्यान नहीं, किसी की बातचीत में ध्यान नहीं, तो फर्स्ट रीज़न वो हो सकता है जिसके ज़्यादा चांसेस हैं, और दूसरा डिमेंशिया, अर्ली डिमेंशिया हो सकता है जिसमें याददाश्त की कमी और बाकी सब चीज़ें होते हैं। तो जो डिप्रेशन का इलाज है वो एकदम से अलग होता है, उसके लिए आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा और दवाई लेनी पड़ेगी और कुछ बातचीत का इलाज होगा। दवाई से बहुत ज़्यादा आराम आता है, ये मैं बताना चाहती हूँ। कई बार डॉक्टर सागर की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि जैसे हमारे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब ये छुट्टी ले दें, इनको आप छुट्टी दे दीजिए, या आप इनका पानी कहीं बाहर चले जाते हैं, थोड़े चार दिन हम घूम आते हैं या अच्छा खाना खा लेते हैं, तो उन सब से डिप्रेशन का इलाज नहीं होता है। आपको डिप्रेशन की बीमारी को रिकग्नाइज़ करके उसका इलाज कराना है। दूसरा जो लोग कहते हैं, जो बड़ा मुझे बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं कि इसमें इच्छा शक्ति की कमी है, कि जो डिप्रेशन का मरीज है ये लेज़ी है, इससे अपनी इच्छा लगाएगा तो मन ठीक हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं हमेशा ये देती हूँ कि अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो आप क्या अपने मरीज़ को कहते हो पैर की हड्डी टूट जाए कि नहीं तुम कोशिश करो आपका पैर चल पड़ेगा, तुम चल सकते हो? उसी तरह डिप्रेशन में मन टूट जाता है, मन में परेशानी होती है, तो वो वहाँ इलाज की बहुत ज़रूरत होती है। जो ये इच्छा शक्ति वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए। तो आपकी मदर को शायद दो में से बीमारी होगी, मेरा अपना मानना है शायद उन्हें डिप्रेशन होगा, तो प्लीज़ आप उसका इलाज कराइए। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे जब लड़कियाँ जब किशोरावस्था के अंदर आती हैं तो बहुत सारे चेंजेस उनके मेंटल हेल्थ में या कहें उनके शारीरिक भी बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो उनको आते हैं, तो ऐसे के अंदर कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो देखी जाती हैं? क्योंकि उस किशोर अवस्था में जो बच्चियां होती हैं वो ज़्यादातर अपने जो माता पिता होते हैं उनसे भी जुड़ाव उनका कम हो जाता है और बाहर की तरफ जो है वो इंक्लिनेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, बाहर दोस्तों में जाना,
तो ऐसे में क्या ये भी किसी तरीके की मेंटल हेल्थ पर असर कर सकती है? नहीं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, किशोरावस्था की समस्याएं। मैं तो कहूँगा कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट है एडोलेसेंट फेज़ का, क्योंकि एडोलेसेंट फेज़ में बहुत बदलाव होते हैं शारीरिक के अलावा। जब हम मानसिक की बात करते हैं तो एक है कि उनका दोस्तों से मिलना, परिवार से थोड़ा कम हो जाना, थोड़ा गुस्सा आ जाना, अपने मन की बात करना और अपने बारे में थोड़ा अपने इवन आजकल जो हम देखते हैं खासकर जो अपने क्लिनिक में अपने अपने चेहरे को लेकर, अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेकर या अपनी बॉडी को लेकर, अपने उसको लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्री ऑक्यूपेशन हो जाती है। अगर एक पिंपल भी आ जाए तो उनको उस चीज़ का दिक्कत आ सकती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर ऐसा है, क्योंकि ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट है, अगर ज़्यादा है तो ज़रूर इसके बारे में संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वयं से भी सेहत के प्रति सचेत रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए थे, पटना बिहार से आभा सिंह की ने लिखा कि माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है जिसके कारण वे काफ़ी परेशान रहती हैं। कोलकाता से कुमार मयूरेश ने लिखा कि 62 साल की माँ को दाएं तरफ पैरालिटिक की समस्या है, उनका दायां पैर बिल्कुल बेजान हो गया है। कानपुर से मीनाक्षी की लिखती हैं कि माँ यदि कोई भी दवा लेती हैं तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर आएंगे, जिसकी सूचना कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अगर आप हमें कुछ और भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।